नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं फिफी एडवाइस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 के बारे में, साथ ही बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एयर कूलर के बारे में जो कि एक एयर कूलर खरीदते समय आपको ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। एयर कूलर के अंदर दो टाइप के मोटर लगे हुए आते हैं, एक फैन मोटर वाला एयर कूलर आता है, दूसरा ब्लोअर मोटर वाला एयर कूलर आता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको फैन मोटर वाले एयर कूलर ही खरीदने चाहिए क्योंकि फैन मोटर वाले एयर कूलर की कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं पर ये एयर कूलर कम नॉइज क्रिएट करते हैं, इसके साथ ही ये एयर कूलर इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। तो ये तीन तरह का एडवांटेज आपको मिलता है फैन मोटर वाले एयर कूलर खरीदने से। नंबर टू, एयर कूलर के अंदर तीनों साइड बड़े साइज का कूलिंग पैड लगा होना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे एयर कूलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल साइड बैक साइड में ही कूलिंग पैड लगे हुए आते हैं, तो एयर कूलर काफ़ी कम कूलिंग करेंगे। जिस एयर कूलर के अंदर तीनों साइड बड़े साइज के कूलिंग पैड लगे होंगे वो एयर कूलर ज़्यादा कूलिंग करेंगे। एयर कूलर के अंदर वाटर ऑटोफिल और वाटर ड्रेन प्लग होना बेहद जरूरी है। वाटर ऑटोफिल की हेल्प से आप उस एयर कूलर के अंदर पाइप लगाकर आराम से पानी को भर सकते हैं, वहीं पे वाटर ड्रेन प्लग की मदद से उस एयर कूलर के गंदे पानी को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो कोई भी एयर कूलर को जब भी आप रूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उस एयर कूलर को क्रॉस एयर वेंटिलेशन देना भी है जरूरी है, तभी वो एयर कूलर आपके रूम को प्रॉपर तरीके से ठंडा कर पाएगा। इसीलिए एयर कूलर को हमेशा आप अपने खिड़की के पास या फिर दरवाजे के पास लगाकर ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एयर कूलर को खरीदते समय ध्यान रखिएगा तो निश्चित ही आप अपने घर के लिए एक बेस्ट एयर कूलर को खरीद पाएगा। दोस्तों अगर आप हिप्पी एडवाइस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों अब इस वीडियो में बात करते हैं बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 के बारे में, और इन सभी बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर का बेस्ट सेलर लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इन एयर कूलर को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो हमारे लिंक को क्लिक करके खरीद सकते हैं। बेस्ट एयर कूलर की मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है ओरिएंट अल्टीमो एयर कूलर। इस एयर कूलर के अंदर 65 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी मिलती है और ये एयर कूलर आता है 400 mm फैन साइज के साथ, और इस एयर कूलर के अंदर 3650 क्यूबिक मीटर पर आवर की पीक एयर डिलीवरी मिलती है और इस एयर कूलर के अंदर 60 फुट एयर थ्रो डिस्टेंस मिलते हैं। ये एयर कूलर आता है 1400 RPM मोटर के साथ जिसे आप 3 स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, लो, मीडियम एंड हाई, और इस एयर कूलर का पावर कंजप्शन है 190 वाट की। ओरिएंट के इस एयर कूलर के अंदर आपको 380 स्क्वायर फुट एरिया की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और ये एयर कूलर आता है ABS प्लास्टिक बॉडी के साथ, और इस एयर कूलर के अंदर 3 साइड बिग साइज के हनीकॉम्ब कूलिंग पैड मिलते हैं। ओरिएंट के इस एयर कूलर के टॉप के ऊपर आइस चैम्बर बॉक्स मिलता है और ये एयर कूलर आता है कास्टर व्हील्स के साथ, और इस एयर कूलर के अंदर वाटर लेवल इंडिकेटर मिलते हैं। इसके साथ ही इस एयर कूलर के अंदर वाटर ऑटोफिल और वाटर ड्रेन प्लग भी मिलता है। ओरिएंट के इस एयर कूलर को इस समय आप खरीद पाएंगे 10,900 रुपीज में और ओरिएंट कंपनी आपको देगी 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। ओरिएंट के इस एयर कूलर की प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो इस एयर कूलर के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, इसके साथ ही इस एयर कूलर के अंदर एयर थ्रो डिस्टेंस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। इस एयर कूलर के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्स नहीं है। अगर ओरिएंट का सर्विस नेटवर्क है आपके सिटी में तो आप इस एयर कूलर को कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट एयर कूलर की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है सिम्फनी स्टॉर्म 70XL एयर कूलर। इस एयर कूलर के अंदर 70 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी मिलती है और ये एयर कूलर आता है 400 mm फैन साइज के साथ, और इस एयर कूलर के अंदर आपको 1400 RPM की मोटर मिलती है जिसे आप 3 स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, लो, मीडियम एंड हाई, और इस एयर कूलर के अंदर आपको 37 स्क्वायर मीटर की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और ये एयर कूलर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 200 वॉट। सिम्फनी का ये एयर कूलर आता है रस्ट प्रूफ प्लास्टिक बॉडी के साथ और इस एयर कूलर के अंदर ट्रिपल साइड बिग साइज के IPO टेक्नोलॉजी के हनीकॉम कूलिंग पैड लगे हुए मिलते हैं। ये एयर कूलर आता है कास्टर व्हील्स के साथ और इस एयर कूलर के अंदर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर और वाटर ड्रेन प्लग मिलते हैं। सिम्फनी के इस एयर कूलर को आप इस समय खरीद पाएंगे 11,000 रुपीज में और सिम्फनी कंपनी आपको देगी 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। इस एयर कूलर की प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो इस एयर कूलर के अंदर आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, इसके साथ ही ये एयर कूलर बेहद ही कॉम्पैक्ट साइज का है जिसे आप अपने रूम में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं।
इस एयर कूलर की कॉन्स की बात करें तो इस एयर कूलर के अंदर वाटर ऑटोफिल का फीचर्स आपको नहीं मिलता है। अगर आपको कूलर के अंदर वाटर ऑटोफिल का फीचर्स की उतनी जरूरत नहीं है तो सिम्फनी के इस एयर कूलर को आप कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट एयर कूलर की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आता है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस एयर कूलर। इस एयर कूलर के अंदर 65 लीटर और 100 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी, क्योंकि ये एयर कूलर दो टाइप के वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। ये एयर कूलर आता है 450 mm फैन साइज के साथ और इस एयर कूलर के अंदर 1400 RPM की आपको मोटर मिलेगी, जिसे आप 3 स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। और इस एयर कूलर के अंदर आपको 5500 क्यूबिक मीटर का पीक एयर डिलीवरी मिलेगी और ये एयर कूलर आता है 55 फुट एयर थ्रो डिस्टेंस के साथ। क्रॉम्पटन के इस एयर कूलर के अंदर आपको ABS प्लास्टिक बॉडी मिलती है और ये एयर कूलर आता है 3 साइड बिग साइज के हनीकॉम कूलिंग पैड के साथ, जिसके ऊपर डस्ट फिल्टर नेट भी लगा हुआ आपको मिलता है, जिसकी हेल्प से इस एयर कूलर के हनीकॉम कूलिंग पैड जल्दी से गंदा नहीं होते हैं, जिसे आपको बार बार क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके साथ ही इस एयर कूलर के अंदर मच्छर मक्खी भी नहीं जाते हैं। क्रॉम्पटन के इस एयर कूलर के टॉप के ऊपर बिग साइज के आइस चेंबर बॉक्स मिलता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में बर्फ को डालकर आप इस एयर कूलर की कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये एयर कूलर आता है कास्टर व्हील्स के साथ और इस एयर कूलर के अंदर वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर ड्रेन प्लग और वाटर ऑटोफिल का फीचर्स मिलता है। क्रॉम्पटन के इस एयर कूलर की पावर कंजप्शन है 200 वॉट की और इस एयर कूलर को आप इस समय खरीद पाएंगे 13,000 रुपीज में और क्रॉम्पटन कंपनी आपको देगी 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। इस एयर कूलर की प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो इस एयर कूलर के अंदर आपको बहुत ही अच्छी कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। इसके साथ ही इस एयर कूलर के अंदर डस्ट फिल्टर पैड भी लगे हुए मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस एयर कूलर के अंदर आपको ह्यूमिडिटी कंट्रोल का भी फीचर्स मिलता है। इस एयर कूलर के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्स नहीं है। अगर क्रॉम्पटन का सर्विस नेटवर्क है आपके सिटी में तो आप इस एयर कूलर को कंसीडर कर सकते हैं। बेस्ट एयर कूलर की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है बजाज TMH 90 नियो एयर कूलर। इस एयर कूलर के अंदर 90 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी मिलती है और ये एयर कूलर आता है 450 mm फैन साइज मोटर के साथ और इस एयर कूलर के अंदर 5600 क्यूबिक मीटर पर आवर की पीक एयर डिलीवरी मिलती है। बजाज का ये एयर कूलर आता है 90 फुट एयर थ्रो डिस्टेंस के साथ और इस एयर कूलर के अंदर 3 साइड बिग साइज के एंटी बैक्टीरियल हनीकॉम कूलिंग पैड लगे हुए मिलते हैं। इस एयर कूलर के अंदर कास्टर के व्हील्स मिलते हैं और ये एयर कूलर आता है वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ और इस एयर कूलर के अंदर वाटर ऑटोफिल और वाटर ड्रेन प्लग मिलते हैं। इस एयर कूलर को आप इस समय खरीद पाएंगे 10,500 रुपीज में और बजाज कंपनी आपको देगी 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। इस एयर कूलर की प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो इसके अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके साथ ही इस एयर कूलर के अंदर जो हनीकॉम पैड लगे हुए हैं वो एंटी बैक्टीरियल हनीकॉम कूलिंग पैड है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस एयर कूलर के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्स नहीं है। अगर बजाज का सर्विस नेटवर्क है आपके सिटी में तो आप इस एयर कूलर को कंसीडर कर सकते हैं। इस एयर कूलर की मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है क्रॉम्पटन ओजोन 75 एयर कूलर। इस एयर कूलर के अंदर 75 लीटर की वाटर टैंक कैपेसिटी मिलती है। वैसे तो एयर कूलर 55 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी और 88 लीटर वाटर टैंक कैपेसिटी के साथ भी आते हैं। इस एयर कूलर के अंदर आपको 400 mm के फैन साइज मोटर मिलेंगे और ये एयर कूलर आता है 4600 क्यूबिक मीटर पर आवर की पीक एयर डिलीवरी के साथ और इस एयर कूलर के अंदर आपको 52 फुट एयर थ्रो डिस्टेंस मिलेंगे। ये एयर कूलर आता है ABS प्लास्टिक बॉडी के साथ और इस एयर कूलर के अंदर 3 साइड बिग साइज के हनीकॉम कूलिंग पैड लगे हुए मिलेंगे और इस एयर कूलर के टॉप के ऊपर स्मॉल साइज का आइस चेंबर बॉक्स भी मिलेगा। इस एयर कूलर का पावर कंजप्शन है 190 वाट पर आवर की और इस एयर कूलर के अंदर आपको कास्टर के व्हील्स और ये एयर कूलर आता है वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर ऑटोफिल और वाटर ड्रेन प्लग के साथ। इस एयर कूलर को आप इस समय खरीद पाएंगे 10,000 रुपीज में और क्रॉम्पटन कंपनी आपको देगी 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी एयर कूलर के बारे में मैंने आपको बताया है, ये सभी एयर कूलर इन्वर्टर कंफर्टेबल हैं, जिनको कि आप लाइट जाने के बाद इन्वर्टर पे यूज कर पाएंगे। क्रॉम्पटन के इस एयर कूलर के प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो इस एयर कूलर की कूलिंग कैपेसिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके साथ ही ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिजाइन का एयर कूलर है और इस एयर कूलर के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉन्स नहीं है। अगर क्रॉम्पटन का सर्विस नेटवर्क है आपके सिटी में तो आप इस एयर कूलर को खरीद सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।